गाइस अगर आप अपने वीडियो में थोड़ी सी चेंजेस करते हो, मतलब जो वीडियो रेगुलर अपलोड करते हो उसमें अगर थोड़ा सा कुछ चीज़ें कुछ चेंज कर देते हो और उसमें व्यूज़ अचानक से 5-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो में कुछ इस ट्रिक को यूज़ किया था। मतलब हुआ क्या था कि मैं जब वीडियो को अपलोड किया था तो मैंने पहले माइंड में बैठा लिया था कि मैं कुछ चीज़ें को चेंज करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि आखिर इसमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलता है। बट गाइस जब मैं उस सेटिंग को चेंज कर दिया, चीज़ें को बदल दिया, तो अचानक से उसमें व्यूज़ 5 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मतलब नॉर्मली मेरे वीडियोस में 100-150-200 तक आता था, मतलब 200 के नीचे व्यूज़ आता था और 100 और 200 के बीच में व्यूज़ आता था। यहाँ पे आप साइड पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मतलब ये जो मेरा वीडियोस है, ठीक है, इस वीडियो में मेरा 141 व्यूज़ है, इसमें 99 व्यूज़ है। बट गाइस जब मैंने कुछ चीज़ें को चेंज किया उसके बाद मेरा व्यूज़ अचानक से 566, मतलब 500 प्लस व्यूज़ आ गया। आखिर इसमें मैंने कौन सी चीज़ें को चेंज किया था, कैसे करके इस वीडियो को अपलोड किया था ताकि मेरा इसमें व्यूज़ अचानक से बढ़ गया? और दूसरा वीडियो की बात करें तो उसके बाद फिर नॉर्मली व्यूज़ आने लगा क्योंकि उसमें मैं चीज़ें को चेंज नहीं किया। बट गाइस सिर्फ एक ही वीडियो में कुछ चीज़ें को चेंज किया था और इसमें व्यूज़ अचानक से इंक्रीज़ हो गया। तो गाइस आपको कौन सी सेटिंग को यहाँ पे चेंज करना है, कौन सा फीचर्स को चेंज करना है ताकि आपका व्यूज़ बहुत ही हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा? तो उससे पहले यहाँ पे कल वाले वीडियो के विनर देख लेते हैं। तो ये भाई कल वाले वीडियो के विनर हुए हैं, तो इसका लिंक मैं अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद जाके इस भाई को सपोर्ट कर देना, और अगर आपको भी से अपना चैनल प्रमोशन कराना है तो इस वीडियो में कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर रैंडम कमेंट फिगर में आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे कल आपका भी चैनल प्रमोशन किया जाएगा। तो गाइस चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस देखिए, जब आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग को चेंज करना है, आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको करना क्या है तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपकी कौन सी चीज़ें को आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो गाइस चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, फिर यहाँ पे चलिए नॉर्मल वीडियो को कोई भी ओपन कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो थंबनेल नॉट शोइंग, मतलब ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट कैटेगरी कमेंट्स और मोर जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका टैग है यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इस वीडियो का कैटेगरी मैंने रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इस वीडियो का कैटेगरी ये रखा है, और यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद चलिए अब चल जाते हैं वो वाले वीडियो में जिस वीडियो में इस ट्रिक को यूज़ किया था। तो ये मेरा यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट का वीडियो था, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एडिट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा कैटेगरी दिख रहा है यहाँ पे मैंने सिर्फ पीपल एंड ब्लॉग कर दिया था। मतलब जो मेरा कैटेगरी था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरे चैनल का कैटेगरी है, बट गाइस मैंने सिर्फ इस वीडियो का कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर दिया था, पीपल एंड ब्लॉग्स कर दिया था। बट गाइस अगर आप अपने वीडियो में इस तरीके से कैटेगरी चेंज कर देते हो तो आपको यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। रिजल्ट्स कब मिलेगा चलिए आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आप यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हो या तो कोई गैजेट्स वगैरह बना रहे हो या तो कोई अनबॉक्सिंग वगैरह, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखना है। बट ऐसा वीडियो जो कि पब्लिक के लिए बना रहे, मतलब जैसे कि मैंने यूट्यूब फर्स्ट इवेंट के ऊपर बनाया था, तो वो वीडियो सब कोई देख सकता है, कोई भी पब्लिक देख सकता है, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, पीपल एंड ब्लॉग से रिलेटेड है। तो गाइस मैंने जस्ट वही ट्रिक को यूज़ किया, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो वहाँ पे सिर्फ कैटेगरी चेंज कर दिया, वहाँ पे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह पीपल एंड ब्लॉग कर दिया ताकि मेरा वीडियो सभी ऑडियंस के पास जाए। अगर मैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखता तो मेरा ऑडियंस सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो व्यूवर्स है उसके पास जाता, बट गाइस मैंने वहाँ पे पीपल एंड ब्लॉग रख दिया जिसकी वजह से मेरा वीडियो सारे ऑडियंस के पास भेजा गया और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन आया, इसीलिए उसमें अच्छा खासा व्यूज आया। तो गाइस अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कि आपका वीडियो सारा ऑडियंस के लिए है तो आपको वहाँ पे वही करना है, आपको अपने वीडियो की कैटेगरी चेंज कर देना है। जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियोस बना रहे हैं उसका कैटेगरी चेंज कर देना है। आपको अपने चैनल का कैटेगरी बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने वीडियो की कैटेगरी चेंज कर देना है, फिर उस वीडियो में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।